प्रिंस पर रहने वाली है। सामने 3v3 की फाइट चल रही है, दोनों टीम से एक एक फ्लैंकर्स हैं, बट क्लच गॉड मुझे नहीं लगता कि इन्होंने अभी तक के लिए यहाँ पर प्रिंस को स्पॉट किया। क्लच गॉड को यहाँ पर नॉक नहीं होना, बिकॉज अगर यहाँ से क्लच गॉड नॉक हो जाती है तो प्रिंस की टीम के लिए ये एडवांटेज रहेगा। और प्रिंस यहाँ पर ये काम कर दिखाएंगे, गॉड लाइक क्लच गॉड को यहाँ पर नॉक कर दिया गया है ऑफ गार्ड एंगल से आते हुए। बढ़िया फ्लैंक यहाँ पर मैं कहूंगा 7 सीज प्रिंस का। नाउ सब तो नियो क्योंकि बन्नी बन के फाइट जरूर से अपने फेवर में लेके चले जाएंगे। टॉरेंट भी सर्वाइव कर रहे हैं, सही समय पर प्रोनाउन हो चुके हैं, क्या हील करके यहाँ पर वापस से कमबैक कर पाएंगे। बहुत ज्यादा लो एन एचपी है सारंग के साथ, 1v1 की है फाइट, बट ये फाइट के अंदर एचपी अगर आप देखेंगे तो नियो की बहुत ज्यादा कम है। जी गॉड पीछे से कवर फायर देने के लिए बिल्कुल सही तरीके से आ चुके, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर जो दूसरा प्लेयर नॉक था उनको मौका मिल पाएगा। क्या रिवाइवल मिला है, क्या हीलिंग करी है यहाँ पर अभी के लिए नियो ने, और क्या बेहतर कवर वापस जी गॉड की तरफ से आता हुआ। अब जब 1v1 की फाइट पूरे तरीके से एचपी इनकी बराबर हो चुकी है तो सारंग को यहाँ पर डाउन करने की बारी आ चुकी है। पीछे से अलादीन कवर फायर दे सकती है, नियो कितना कम पहुंच है, नियो कितने काम है, कहीं ना कहीं कुछ नहीं जा रहे, मतलब पूछ के जाएंगे तो सीधा नॉक निकाल कर आएंगे। देखते ही देखते यहाँ पर बैकफुट पे टकी ली जा चुके हैं, क्लच गॉड अभी तक फिनिश हो रही है तो उन्हें भी वहां पर रिवाइवल का चांस आता। बैकफुट पर 7 सीज की टीम जो टेबल टॉप कर रही थी वो अर्ली इन द मैच फाइट में इन्वॉल्व होने के बाद काफी ज्यादा पीछे टेबल में अब जा सकती है। देखिए प्रिंस ने 7C का तो माइट भी कम्प्लीटली वाइप आउट यहाँ पर हो सकती थी, उठा चीज का। वेल एग्जैक्टली 7C के अलादीन आपको मिल जाएंगे, और कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो टेबल में टॉप है और जो टेबल में बॉटम पर थी उनकी आपस में फाइट हो जाती है, और यहाँ से ओवरऑल स्टैंडिंग्स में बहुत उतार चढ़ाव आपको आता हुआ देखने को मिलने वाला है। कोई नक्षत्र की अगर हम बात करें अब अपने मिलन में, बट हाँ इस चीज से ना जो आपने स्ट्रेटेजी की बात करी इससे एक बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए कोई क्रेट अगर रास्ते मिल जाए तो वो आप एड ऑन कर सकते हैं, उसके भी फर्स्ट एड किट आप अपने में भी ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं टीम गॉड लाइक चौरेंदर की, एक बेहतरीन मौका यहाँ पर टीम इंड के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने का, ऑलमोस्ट एक खिलाड़ी को यहाँ पर नॉकआउट एंड फिनिश करा के शुरुआत देखे काफी शानदार यहाँ पर, नेक्स्ट को भी हमने यहाँ पर कर दिया नॉकआउट, एक बोल सकते यहाँ पर स्मोक क्रिमिनल बनते हुए। आई थिंक यहाँ पर स्मोक के बीच में अगर इस तरीके का कोई डैमेज दे सकता तो वो जोनाथन ही है, और कहीं ना कहीं बिल्कुल ऑन पॉइंट यहाँ पर अगर आप देखते हैं स्काउट तो शायद इस मैच में सोल की जर्नी हो जाएगी। फिनिश ऑफ हील ज्यादा थे नहीं, जोन के बाहर थे, फेवर मिला नहीं। क्लच गॉड चारों प्लेयर्स के साथ और जैसा एक्सपेक्टेड था परफॉर्मेंस इस मैच में टीम गॉड लाइक से 10 के पास, और ये ग्रेनेड मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स एंपायर के लिए लीथल साबित हो सकता है। और मिनी मैप के अंदर सिर्फ 3 टीमें दिख रही है, बाकी सब अपने डॉक्टर की डिग्री के लिए तैयारियां करते हुए। बिल्कुल जिसके पास ज्यादा फर्स्ट एड किट उसके पास चांसेस डिग्री आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट जोक्स बट गाइस अभी के लिए जो यहाँ पर मेजर फाइट समय देखने को मिलेगी वो है आपको टीम गॉड लाइक और ईस्पोर्ट्स एम्पायर। यहाँ पर बात करते हैं रौनक की फ्रॉम टीम मार्कोस गेमिंग, उसके पास भी 16 फर्स्ट किट है तो लेट्स सी क्या रहेगा। बट गॉड लाइक एंड टीम्स चाहेगी टीम की गॉड लाइक ना फिनिश ऑफ करे ईस्पोर्ट्स एम्पायर को, सो दैट कि उनके चांसेस जो है ना हील बैटल के उनको बेनिफिट मिले उस चीज का। बट ईस्पोर्ट्स एम्पायर के प्लेयर स्पॉन्सर रुके हुए जोन के बाद वो भी हील बैटल करते हुए दिखे, बट ये ग्रेनेड और डिसेंट डैमेज देगा, बट कहीं ना कहीं अब ग्रेनेड आने वाला जोनाथन की तरफ से, बट उससे पहले अगर एक और ग्रेनेड आ जाएगा तो जोनाथन के लिए मुश्किल हो सकती है। बट मैं चाहूंगा यहाँ पर पहले रिवाइवल देने से पहले ग्रेनेड को कुत्ते क्लच गॉड आपको मिलेगा 16 के साथ और जोनाथन नॉक हो जाते हैं। वो ग्रेनेड आया, मैं यही बात कर रहा था कि जोनाथन को पहले खुद ग्रेनेड कर देना चाहिए था, बट ये गए थे जोन के अंदर फिनिशेस लेने करे क्योंकि डॉक्टर लाला फ्रॉम मलकागंज बाहर बैठ के हील बैटल कर रहे हैं। जोनाथन ने अपने रोल को जस्टिफाई कर दिया, 6 फिनिशेस उनके पास है और क्लच गॉड इन दो जो नॉक प्लेयर हैं इनको फिनिश ऑफ करके यहां से भी आराम से फिनिश पॉइंट सिक्योर कर सकते हैं, मुझे लगता है जोन के अंदर भी जा सकते हैं। क्लच गॉड यू बेटर गो इन ब्रो, आपके पास 12 है टॉप्स, इसके अंदर आप ऑलरेडी हो 40-40, 50-50 फर्स्ट एड के साथ यहाँ पर मैच में। रौनक के पास कितनी हीलिंग है वो मैं देखना चाहूंगा। क्लच गॉड को फिनिश ऑफ कर दिया जाता है, इनकी 2 बची है, उनका 1 हील बचा हुआ है, ये आराम से जीत जाएंगे क्योंकि इन्हें पता है कि ये जोन के अंदर है। ईस्पोर्ट्स एम्पायर द राइजिंग स्टार्स इनके लिए ये पहला सेकंड डिनर, और कहीं ना कहीं आप देखें तो सेकंड कौन आता है, इट्स गोना बी अक्षत मैन। अब क्यों ना हो, 40 आपने फर्स्ट एड उठाई है, 8 फिट को जो चाहिए था वो मिल जाएगा, आप लोगों को एंटरटेनमेंट मिल जाएगा और कहीं ना कहीं इस मैच की हाँ हीलिंग बैट।